गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फर्स्ट करंट में गाइस, आज डेट है 26 अक्टूबर। और जैसे कि आपको पता है, दो तीन दिन से जो है वो कैब जो है कुछ ज़्यादा ही डिले हो रही है, मतलब कि वो कैब आ नहीं रही क्योंकि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए अब पहले से ठीक है, तो आज जो आपको 8 बज चुके हैं और वो कैब आपको मिल रही है। सो जितनी भी क्लासेस मिस हुई हैं उसमें हम दो चार वो कैब हर क्लास में जोड़ कर जो उसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है, जैसे कि आपको रोज़ दिया जाता है, उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, GKFS करंट को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक और जो टेलीग्राम पर भी जाके आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम को जैसा आपको पता है कि 25 क्वेश्चंस डेली मिलते हैं, वो भी जो है मतलब कि मिस हो रहे हैं तबीयत खराब की वजह से। कोई नहीं, आपसे डेली आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिस होती नहीं है GKFS करंट पे कोई भी क्लासेस, लेकिन मैंने कहा है कुछ ना कुछ परेशानी जब होती है तभी होती है क्या क्लास मिस। और फ्राइडे और सैटरडे को जो क्लास आती है उसको बच्चा देखना बिल्कुल मत भूलना। इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस आ रही हैं, 2 क्लासेस हैं उनको। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या है? अफ्रंटेड। अफ्रंटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है अपमानित, किसी व्यक्ति को इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, नीचा दिखाना, ठीक है। सो ये सब भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अफ्रंटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है अपमानित करना। ऑफेंड द मॉडेस्टी और वैल्यूज ऑफ, ऑफेंड द मॉडेस्टी और वैल्यूज ऑफ, ठेस पहुँचाना विनम्रता और जो उसका जो मूल्य है उसको। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ठेस पहुँचाया जाता है किसी व्यक्ति को। ऑफिस से डायरेक्टली बोल दें गेट आउट, गेट आउट। सिनोनिम्स, इंसल्ट, अपमानित करना, ऑफेंड ठेस पहुंचाना, आउटरेज धक्का पहुंचाना। हर स्पीच अफ्रंटेड ऑल ऑफ अस, क्या है? हर स्पीच अफ्रंटेड ऑल ऑफ अस, मतलब कि उसका भाषण हम सबको अपमानित करता है, उसका भाषण जो है हम सबको अपमानित करता है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? नेक्स्ट है डिट्राइटस। डिट्राइटस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है बेकार। क्या है मीनिंग? बेकार। मीनिंग है इसका बेकार। वेस्ट और डेब्रिस ऑफ एनी काइंड, मतलब कि किसी प्रकार का कचरा या फिर मलबा। सो आपने देखा होगा रोड पर या फिर जब घर टूटता है, सो काफ़ी ज़्यादा जो कचरा और मलबा निकलता है। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। सिनोनिम्स है डेब्रिस, मलबा, वेस्ट बेकार चीज जो है, एंड रबर का मतलब होता है पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। स्ट्रीट्स फिल्ड विद रबर एंड डिट्राइटस, स्ट्रीट्स फिल्ड विद रबर एंड डिट्राइटस, मतलब कि जो गली है वो पूरी तरीके से बेकार और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से भरी हुई है। क्या है? जो गली है वो जो है बेकार और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से भरी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रोक्रास्टिनेशन। क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है टालमटोल। किसी काम को जो है मतलब कि किसी काम को करने में आना करनी करने की, अभी कर लूंगा, थोड़ी देर में कर लूंगा, कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, जो आपके अंदर का चेतानीपन जागता ना उसी को कहते हैं, जिसके कारण जो आप अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते। हमेशा याद रखिए अपने काम को जो है नाउ मतलब कि अभी ही करना सीखे, तुरंत जो तुरंत उसी टाइम करते हैं वो जीवन में हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। द एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग, किसी कार्य में ढील छोड़ने या फिर उसको पोस्टपोन करने की क्रिया। टालमटोल डिदरिंग कटौती टैक्टिस, क्या है? टैक्टिक्स। टैक्टिक्स इसका मतलब होता है मतलब कि कुछ चीज़ में मतलब कि काम करने में ढील छोड़ना, क्या करना? काम करने में ढील छोड़ना। सो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि मन में आ रहा है कि अभी करें या फिर मतलब लेटर बाद में करें, ठीक है। सो दोनों वर्ड आ रहे हैं, लेकिन आपको
हमेशा हमेशा अभी ही करना चाहिए, उसी वक्त काम को कर दीजिए, उसको जो ढील मत छोड़िए, पेंडिंग ना छोड़े, हमेशा पेंडिंग वर्क कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मीनिंग इसका एग्जांपल है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन इज द थेफ ऑफ टाइम, विलंब समय का चोर है। और विलंब का मतलब होता है एक मतलब कि आवश्यकता से लगने वाला अधिक समय को विलंब कहा जाता है, जो आवश्यकता से अधिक समय लगने वाला को विलंब कहा जाता है। ठीक है, सो क्लियर हुआ, सो इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एवोकेटिव। एवोकेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विचारोत्तेजक। क्या है मीनिंग? विचारोत्तेजक। सो ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेज मेमोरीज और फीलिंग टू माइंड, मतलब कि ठोस, बहुत ज़्यादा मतलब कि ठोस इमेज चित्रों को अपने दिमाग में लाने या फिर अपनी भावनाओं को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा किसको जो ठोस इमेज है स्ट्रॉन्ग है। सिनोनिम से इसका सजेस्टिव, विचारोत्तेजक एंड रेडोलेंट। रेडोलेंट का मतलब होता है सुगंध का। क्या होता है? सुगंध का। दोज ओल्ड टॉयज आर एवोकेटिव ऑफ माई चाइल्डहुड, पुराने खिलौने ने मुझे मेरे बचपन की यादें ताज़ा कर दी। क्या करा है? जो पुराने खिलौने हैं उनको उन्होंने मेरे बचपन की यादें ताज़ा कर दी। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो ओल्ड हमारे जितने भी टॉयज होते हैं या फिर मतलब कि जो कपड़े आ जाते हैं ध्यान में, तो वो क्या करते हैं जो बचपन की मेमोरीज होती है उसको जो है मतलब कि क्या करते हैं क्रिएट, उत्पन्न, यादें ताज़ा कर देते हैं। ठीक है, यादें ताज़ा कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटिनल। सेंटिनल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है पहरेदार। पहरेदार एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि बॉडीगार्ड का काम करता है, गार्ड का काम करता है नाइट में या फिर डे में। अ सोल्जर और गार्ड हुज जॉब इज टू स्टैंड एंड कीप वॉच, एक सैनिक या पहरेदार जिसका काम जो है खड़ा होना और जो है निगरानी करना है। क्या होना? अ सोल्जर और गार्ड हुज जॉब इज टू स्टैंड एंड कीप वॉच, सैनिक और जो है पहरेदार का जो काम है वो खड़ा होना या फिर खड़ा होना और निगरानी करना है, जिसको हम पहरेदार कहते हैं। सिनोनिम से इसका बॉडीगार्ड, अंगरक्षक। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं सलमान खान को, कि बॉडीगार्ड की इनकी एक मूवी आई थी उसके बारे में, तो सबको पता है। सो एग्जाम्पल उसको ध्यान रखना, यहाँ से याद करना। कॉनवे सार्थक। सार्थक ठीक है, डिफेंडर रक्षक। डिफेंडर का मतलब होता है रक्षक। एग्जाम्पल द सेंटिनल वॉज स्टेशन एंड ऑन अ हिल। द सेंटिनल वॉज स्टेशन ऑन अ हिल, क्या है? द सेंटिनल वॉज स्टेशन ऑन अ हिल। ठीक है, सो क्लियर है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे कि पता है जितनी भी वोकैब आपको कराई जाती है, और जो काम ये दो तीन दिन में मतलब कि आई है वोकैब, पिछली क्लासेस मिस हो गए, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही आप डेली वॉच कर रहे होंगे जितनी इसके अलावा जो भी क्लास डाली जाती है। सो अभी आपको जो कंटिन्यूअल क्लास मिलने वाली है दोबारा से, बस आपने इसको ज्वाइन करना और जो शेयर दबा के और सब्सक्राइब लाइक करते रहना। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।